चुनावी माहौल है, हर पार्टी अपना दमखम दिखाती हुई नजर आ रही है, चुनाव प्रचार चल रहा है। आज हम पहुंचे हैं करनाल जिले के असंध विधानसभा क्षेत्र के पाडा गांव में। यहां पर लोगों से जानेंगे कि माहौल क्या है, किसको वोट देंगे, क्यों वोट देंगे, उनके मुद्दे क्या हैं, वो सरकार से चाहते क्या हैं, विधायक से क्या चाहते हैं। तमाम युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, सभी से जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर गांव के मुद्दे क्या हैं, विधानसभा क्षेत्र के मुद्दे क्या हैं, करनाल के मुद्दे क्या हैं। भैया, नाम क्या है आपका और आप कौन सी विधानसभा क्षेत्र से हैं और किन मुद्दों के आधार पर आप वोट देंगे? नमस्कार जी, मेरा नाम अरविंद है और असंध विधानसभा से हूँ, गांव पाड्डा से हूँ जी मैं भी। और मुद्दा सर हमारा मेन तो यही है कि एक बेरोज़गारी का मुद्दा हमारा, हमारे गांव में मैक्सिमम बच्चे बाहर जा चुके हैं। रीज़न क्या है, सिर्फ और सिर्फ यहां पे कोई रोज़गार नहीं है, उनके पास कोई और ऑप्शन बचता ही नहीं है। हम हमारा पूरा गांव कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा है इस बार और हम उम्मीद कर रहे हैं कि शमशेर सिंह गोगी से कि भई हमें रोजगार का यहाँ पर बंद करें और थोड़ा हमारी शिक्षा पे। ऐसा क्या कारण है कि गांव कांग्रेस के पक्ष में जा रहा है? काम तो बीजेपी भी गिनवाती है, बीजेपी भी कहती है हमने काम किए हैं। कुछ काम नहीं किया जी, बीजेपी सरकार ने कुछ काम नहीं किया। बार बार वादे करती है, वादे वादे उसके फैल होते हैं, कोई काम नहीं किया जी। इस करके कांग्रेस को चुना लोगों ने, कांग्रेस पर वोट डालेंगे। 8 तारीख को पता चलेगा कि जीत किसकी होगी, लेकिन उससे पहले मुद्दे जानना जरूरी हो जाते हैं। आप युवा हैं, आपका क्या मुद्दा है, किस मुद्दे के आधार पर वोट करेंगे? जी मैं एक किसान हूँ, मैं भरपूर खेती करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि हमारी फसलें टाइम पर बिके, हम पोर्टल में बच जाते हैं, फसल हमारी मंडी में ऐसे ही पिटती रहती है। सरकार तो कहती है कि पारदर्शिता ला रही है पोर्टल से। कुछ नहीं जी, सब ये झूठे वादे है, हम चाहते हैं बदलाव। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। तमाम लोगों की अपनी राय है, राय हो सकती है, लेकिन 8 तारीख को पता चलेगा। मूड ऑफ हरियाणा में हम तमाम लोगों की राय जान रहे हैं। आपका मुद्दा क्या है, किस मुद्दे के आधार पर वोट देंगे? सर सबसे पहले मुद्दा है बेरोजगारी का। बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है बीजेपी सरकार में, और 10 साल तक पब्लिक ने विश्वास किया था बीजेपी पर, लेकिन वो खरे नहीं उतरे इस पर। तो गांव, हर गांव का यही मौल है कि बच्चे बाहर जा रहे हैं क्योंकि रोजगार नहीं मिला यहां पर, और स्वास्थ्य के नाम पर भी धोखा हो रहा है पब्लिक के साथ। तो पब्लिक ने विश्वास किया था, तानाशाही सरकार है बीजेपी सरकार, और 10 साल में कोई खास विकास नहीं हुआ, जो वादे थे इनके पूरे खाली श्री राम के नाम पर, देशभक्ति के नाम पर वादे हैं इनके, इससे अलावा कुछ नहीं है। कभी बेरोजगारी, शिक्षा, कभी इन पर बात नहीं करते ये। बीजेपी पार्टी तो कहती है हमने मेडिकल कॉलेज बनवा दिए हैं, लोगों के एडमिशन हो रहे हैं बच्चों के, ऐसा नहीं है क्या? नहीं, कोई भी नया मेडिकल कॉलेज आज तक नहीं बना, कोई IIT नहीं, कोई कुछ, कोई संशोधन नहीं बना, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ काम हुआ अच्छा हुआ जो भी, जो देश के लिए काम किए थे, जो IIT खुली थी, जो भी आज तक परीक्षण हुए हैं, जो कांग्रेस सरकार में हुए हैं, लेकिन 10 साल बीजेपी को दिया पब्लिक ने, लेकिन कोई खरी नहीं उतरी इस पर। अब मूड पब्लिक बदल चुकी है। आपका मूड अंकल जी क्या है, क्यों वोट देंगे, किस पार्टी को वोट देंगे, किन मुद्दों के आधार पर वोट देंगे? इस पार्टी बीजेपी था, बहुत लोग परेशान हो लिए, रोजगार का रोजगार नहीं दिया, महंगाई कर दी ज़्यादा, कर तोड़ दी जिम्मेदारा की, ना बात दे रहा है, परेशान हो लिए ज़्यादा। ठीक, नौकरी बोली जी बाढ़ जा लीजिए अमरीका में, अपनी खापरी बेच बेच का मजबूरी होगी, बच्चा ना रोजगार मिले नहीं। क्या क्या यहाँ इस गांव के युवा भी पलायन कर रहे हैं, डंकी से जा रहे हैं अमेरिका? ये न्यू गए जी, बच्चे जा लिए जी, 150 बच्चे जा लिए हमारे गांव से, 150 बच्चे करीब जा चुके हैं जी अमेरिका में जी, डंकी मार के जी, इस करके बहुत गरीबी आ चुकी है जी, दूसरे देशों में पलायन करने लग गए। क्या ये एक 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 बात जानना चाहता हूँ, ये खुद की इच्छा होती है कि सोनू भाई चला गया तो मोनू भी जाएगा अमेरिका, या बेरोजगारी? बेरोजगारी के कारण चले गए जी, ये काम धंधे तो है नहीं जी, खत्म हो चुके हैं, पेट कैसे पाले, काम मिली नहीं जी, मजबूरी में जाना पड़ा, पढ़ाई के शाम में पढ़ रहे थे बालक, और क्या करा, और चोरी टक्की करा, फिर यहाँ के कर दे, अपना जाकर अपना काम दम न टोया जी, यहाँ पर भूखे मरा, मजबूरी हो रही, एक के किले के मालिक थे, एक के किला बेच कर यहाँ अमरीका में जा लिए। आपका क्या मूड है, किस मुद्दे के आधार पर वोट देंगे? बेरोजगारी और स्वास्थ्य, और कोई भी आज तक बीजेपी ने ऐसा कोई काम नहीं किया कि इसकी सराहना की जाए। जुमलों की सरकार वो तो करवाती है, गिनवाती है, बहुत सारे काम गिनवाती है। जुमलों की सरकार है, जुमले बनाती है, जुमले बनाने बाजीगर है, बाजीगर, और कुछ नहीं है इनके पल्ले।
ज्यादा को रहे ताना शाही आम लोगों की राय है। सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का और दूसरा मुद्दा है स्वास्थ्य का, जिन मुद्दों के आधार पर तमाम पब्लिक अपना वोट देगी। लेकिन 8 तारीख का इंतजार करना पड़ेगा कि हरियाणा का मूड क्या है, सरकार किसकी बनती है, असंध विधानसभा क्षेत्र जहां पर आज हम पहुंचे हैं वहां से किस पार्टी का विधायक बनता है। श्रेष्ठ भारत के लिए करनाल से हिमांशु नारंग। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।